हाय फ्रेंड, दिस इज़ द अखिलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंड्रो जावा। फ्रेंड, इस वीडियो सीरीज में आज हम सीखेंगे टू अपर केस मेथड के बारे में ऑफ द स्ट्रिंग क्लास के अंदर कि क्या होता है हमारा टू अपर केस मेथड। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू रखते रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको पहले थ्योरी पार्ट कराऊंगा, उसके बाद आपको लास्ट में इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है चैनल्स के ऊपर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने जावा सीख पाएँ। तो लेट्स अब आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर। अब बात करते हैं डायरेक्ट इस मेथड के बारे में कि हमारा जो टू अपर केस मेथड है, इस मेथड का क्या मतलब होता है हमारे स्ट्रिंग के अंदर, और इस मेथड को क्यों हम यूज करते हैं, यूज करने का बेनिफिट क्या है, ये सभी डिस्कस हम करेंगे पॉइंट इस वीडियो के अंदर, है ना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट्स है कि टू अपर केस मेथड्स या जो मेथड्स है, इस मेथड को इट इज़ कन्वर्जन मेथड, या जो मेथड्स है कन्वर्जन मेथड के अंदर आता है। दूसरा पॉइंट है, या मेथड कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करने का यूज करते हैं। यह जो मेथड्स है किसी स्ट्रिंग की कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट है, इट रिटर्न स्ट्रिंग इन अपर केस लेटर, यह हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है किस केस में, अपर केस के लेटर के फॉर्मेट में। चौथा पॉइंट है, इट कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इनटू अपर केस लेटर, यह स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर होते हैं स्मॉल, उन सभी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है यह मेथड्स। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ जो इस मेथड का क्या मतलब होता है। इस मेथड का मतलब यही होता है कि अगर आपने आपके पास कोई स्ट्रिंग है और वह स्ट्रिंग लोअर केस में है, और आप चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग की कैरेक्टर को हम अपर केस में कन्वर्ट कर लें, तो हम उस कंडीशन में यूज करते हैं टू अपर केस मेथड। ठीक है, और यह मेथड क्या करता है, उस स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी कैरेक्टर को क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा, यानी डिस्प्ले कर देगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अपर केस मेथड्स। ठीक है, और यह एक स्ट्रिंग क्लास का प्री डिफाइंड मेथड्स है, इसको बने बनाया उसमें दिया हुआ है, बस आपको यूटिलाइज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, दैट्स इट। ओके, तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल्स इसका कैसे करेंगे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम है हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास कर दिया। उसके बाद इस मैन मेथड के अंदर हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया अखिलेश, ठीक है, और str1 वेरिएबल के अंदर रखा, और एक या जो स्ट्रिंग है AKHILESH, आप यहाँ पे एक बार गौर करके देखना, सभी कैरेक्टर स्मॉल कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग का। ठीक है, और हम अब इस चाहते हैं कि यह जो हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम प्रिंट करें अपने डिस्प्ले के ऊपर, मतलब कि प्रिंटिंग डिस्प्ले के ऊपर, लेकिन अपर केस में प्रिंटिंग हो, ये जो है कैपिटल हो, के कैपिटल हो, HILESH, मतलब कि ये सभी कैरेक्टर कैपिटल में प्रिंट हो, स्मॉल में प्रिंट नहीं हो। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे टू अपर केस मेथड का। ठीक है, इसमें करेंगे क्या कि हम एक str2 नाम का वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, और str1 मतलब str1 है इस स्ट्रिंग का वेरिएबल, ये है ऑब्जेक्ट। तो str1.toUpperCase इस मेथड को हम इस स्ट्रिंग के ऊपर कॉल कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे यह मेथड रिटर्न इस स्ट्रिंग की कैरेक्टर को क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करके यह रिटर्न कर देगा उस स्ट्रिंग
जो कि अपर करेक्टर में होगा और उसे स्टोर कर देगा किस में, str2 के अंदर। ओके, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम str2 को प्रिंट कर लेंगे, मतलब कि ये वाली जो वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद हम मैन मेथड को बंद कर देंगे, उसके बाद क्लास को बंद कर देंगे। तो जब आप इस प्रोग्राम को सेव कर दोगे, उसके बाद आप कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को, देन रन करेंगे, तो जो आपको आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी आपको कुछ इस प्रकार, AKHILESH, जो कि आपका सभी करेक्टर अपर केस में होगा इस स्ट्रिंग का, ठीक है। और देखो तो आपका ये भी एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या हुआ, यह जो स्ट्रिंग है लोअर केस में है, मतलब कि इनके सभी करेक्टर लोअर केस में है, और हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट किया किस विद द हेल्प ऑफ अपर केस मेथड, और इसको हमने जब प्रिंट कराया तो हमें मिला सेम स्ट्रिंग, लेकिन इस स्ट्रिंग की सभी करेक्टर क्या है, अपर केस में है। तो आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ मेरे को ये बात समझ में आ गई है सर, ठीक है। और बेसिकली इस मेथड का यही काम होता है, कोई भी स्ट्रिंग हो, किसी भी दुनिया की कोई भी स्ट्रिंग हो, जब उस स्ट्रिंग को हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है तो इसी मेथड को यूज करना है, कोई दूसरा मेथड नहीं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को एक और तरीके से करते हैं, सेम प्रोग्राम है, पब्लिक स्टैटिक, पहले तो हमने क्लास बनाया, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास किया, str1 क्रिएट किया न्यू कीवर्ड की मदद से। बस इसमें डिफरेंस क्या है, पीछे वाला जो प्रोग्राम था उसमें हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग क्रिएट किया था, और इसमें हम न्यू कीवर्ड की मदद से स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास किया जो कि इस स्ट्रिंग का सभी करेक्टर लोअर केस में है। उसके बाद फिर हम इन्हें एक str2 वेरिएबल लिया और str1.2 अपर केस मेथड को कॉल किया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके str2 को हमने प्रिंट कर लिया। और तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये वाली स्ट्रिंग है AKHILESH, इस स्ट्रिंग की सभी करेक्टर क्या होगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अपर केस मेथड्स, और यह मेथड रिटर्न कर देगा एक कंप्लीट स्ट्रिंग, और वह स्ट्रिंग चल जाएगा आपका str2 के अंदर, और str2 आप प्रिंट कराए हुए हैं तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्ट्रिंग जो कि अपर केस में होगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था। और देखो यहाँ पे इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और प्रिंटलन के स्टेटमेंट के अंदर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो str1.2 अपर केस, इस मेथड, यह जो मेथड को आप डायरेक्टली इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख कर कॉल कर सकते हो, तो कॉल करोगे तो सेम आंसर मिलेगा आपका अखिलेश। तो आप ये वाली अप्रोच यूज कर लो या फिर ये वाली कर लो, दोनों बात सेम है, और आपका जो आउटपुट आएगा दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। इस मेथड के बारे में और कुछ जानकारी है, जैसे कि यह जो मेथड्स है केस सेंसिटिव मेथड्स है, जैसे आप यहाँ पे देखो टू ये आपका लोअर करेक्टर है, फिर आपका यू अपर है, फिर आपका सी में यहाँ पे केस में सी कैपिटल है, यहाँ पे अपर में यू कैपिटल है, इसमें टू छोटा है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जिस टाइप के, जैसे ये मेथड लिखा हुआ है स्मॉल लेटर और करेक्टर लेटर मिला करके है, तो उसी टाइप से आपको मेथड लिखना है। अगर आप मेथड में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो यह आपका एरर जनरेट करता है और आपको प्रिंटिंग लेने में बहुत कठिनाई देता है, ठीक है। तो कृपया आप इस मेथड की नाम को चेंज ना करें, और यह केस सेंसिटिव मेथड होता है, आप जैसा है वैसा ही लिखना है आपको मेथड्स। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, सबसे पहले सीखा कि टू अपर केस मेथड क्या होता है, इस मेथड का बेनिफिट क्या है, इस मेथड को कहाँ से लाया गया है, तो ये सभी चीज़ें हम सीख चुके हैं इस वीडियो के अंदर। और फिर भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ये मेरे को ये डाउट आ रहा है, आई विल हेल्प यू एनी टाइम्स, ओके।
अब इस प्रोग्राम को हम लेकर के चलते हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर और फिर उसे चला करके देखते हैं। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर, तो डैशबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाया और क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिखा, उसके अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट किया अखिलेश, जिस स्ट्रिंग का सभी कैरेक्टर क्या है, लोअर केस में है, और इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टू अपर केस मेथड। तो अब चलाएंगे क्या, str1.to अपर केस और इसके बाद str2 के अंदर हम डाल देंगे, फिर हो गया। उसके बाद system.out.println करके हमने str2 वेरिएबल को क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आप आउटपुट देखेंगे तो आपको आउटपुट आएगा, तो इस प्रोग्राम का आपका आउटपुट आएगा अखिलेश, जो कि अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा सभी कैरेक्टर, ठीक है। सेकंड प्रोग्राम देखते हैं, सेकंड प्रोग्राम सेम है, हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, उसके बाद str1 एक वेरिएबल क्रिएट किया न्यू कीवर्ड की मदद से, और स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने अखिलेश पास कर दिया, जो कि एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग की सभी कैरेक्टर, इस स्ट्रिंग की सभी कैरेक्टर क्या हैं, लोअर केस में है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग str2 वेरिएबल लेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, str1 लिखेंगे डॉट, और इसके ऊपर हम टू अपर केस मेथड को कॉल कर लेंगे। तो यह अपर केस मेथड इस स्ट्रिंग को, अखिलेश इस स्ट्रिंग को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा अपर केस के अंदर, अपर केस लेटर के अंदर, और इसको डाल देगा किसके अंदर, str2 के अंदर, हो गया, बात क्लियर समझ में आ रही है। उसके बाद system.out.println करके हमने str2 को क्या किया, प्रिंट करा लिया। तो आपका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, अखिलेश आएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अखिलेश आया, ठीक है। इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट को एक और तरीके से लिख सकते हैं, system.out.println के अंदर str1.to अपर केस मेथड को हम डायरेक्ट कर लेंगे किसके अंदर, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो सेम आउटपुट आएगा, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आएगा क्या, अखिलेश, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आपको मालूम है जावा सी लिखते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं, उसके बाद रन करने के लिए आपको लिखते हैं क्लास का नाम, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो के अंदर आपको टू अपर केस मेथड के बारे में भी समझदारी आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, या फिर आप टेलीग्राम पे, ताकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो से हेल्प मिल पाए। थैंक यू।